हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं डू नॉट डिस्टर्ब के बारे में, जैसे कि हम डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और नोटिफिकेशन स्टेटस बार पे जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको स्टेटस बार पे जाना है और सॉरी फ्रेंड्स, बैक करेंगे, साउंड एंड वाइब्रेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और आपको यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब पे जाना है। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो सबसे बहुत ही इसी तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले सेटिंग पे जाएंगे, सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आपको यहाँ पर सर्च करना है डू नॉट डिस्टर्ब, फिर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब पर क्लिक करना है और राइट साइड से ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आपको इस तरीके से यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड्यूल पे जाएंगे। शेड्यूल पे जाने के बाद आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये स्लीप शेड्यूल होता है, आप सोने का टाइम पे कर सकते हैं और नेक्स्ट डे के टाइम पे कर सकते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे। इस तरीके से शेड्यूल करके राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और ऑन कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी सेटिंग्स वेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि रिंगटोन है। तो रिंगटोन को हम चेंज करना चाहते हैं या फिर सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं ऑन दिस डिवाइस पे जाएंगे तो आपके पास सॉन्ग वगैरह है या फिर कोई रिकॉर्डिंग है जिसे आप अपनी रिंगटोन पर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और इस तरीके से नोटिफिकेशन साउंड पे जाएंगे तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन साउंड को चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।